हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप असेंट पर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो सालों साल से छात्र कर रहे हैं, लेकिन जब भी यूपी में शिक्षक भर्ती की बात आती है तो हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसके पहले तो जो सतीश द्विवेदी जी थे वो, उसके बाद में अब संदीप सिंह जी आए हैं, वो सभी का एक ही जवाब है कि हमारे यहाँ जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। फिलहाल जो है आज विधानसभा में जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि क्या शिक्षक भर्ती आएगी, कितने पद खाली हैं, उन सभी चीज़ों पर पर पूछा गया, और साथ ही साथ क्या बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा कि नहीं शामिल किया जाएगा, उन पर भी यहां पर सवाल जो है पूछे गए। उसको लेकर के हमारे पास जो लिखित उन्होंने जवाब दिया है वो जवाब भी मेरे पास में है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अपडेट आपको ऐसे ही आराम से मिलती रहे। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आप मेरे स्क्रीन पर यह देख रहे हैं जो उन्होंने जवाब दिया है, यहां पर विधानसभा सत्र था मंगलवार, यानी आज ही जो है यहां पर इसका जवाब दिया गया है। आप देख सकते हैं विधानसभा के प्रथम सत्र, एक सेकंड में इंक चेंज कर लूं। देखिए, विधानसभा के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गए तारांकित संख्या एक का उत्तर, यानी इन्होंने प्रश्न में यह पूछा कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीटी उत्तीर्ण बीएड बीटीसी डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। यहां पर इतने सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए, जिस पर जो जवाब माननीय संदीप सिंह जी, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद, इन्होंने बताया कि जो स्वीकृत पद हैं वो हैं 417,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। ये इन्होंने स्वयं बताया कि 85,152 पद जो है यहां पर रिक्त हैं, और वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे उस पर इन्होंने कहा है जी नहीं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या, इन्होंने बताया कि जितने छात्र हैं एवं कार्यरत अध्यापक संख्या 3,32,734 है, इस प्रकार छात्र शिक्षक का अनुपात 31:1 है। इन्होंने आगे भी कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक के सेवा नियमावली 1981 में निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित की जाती है। अब यहां पर जो इन्होंने लास्ट वाला बताया, यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने शिक्षक भर्ती के बारे में बताया है कि 85,152 पद रिक्त हैं, लेकिन हमारा जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो 31:1 का अनुपात है और इसलिए वो बराबर है। और अगर हम शिक्षा मित्रों को भी शामिल कर लेते हैं तो शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो 21:1 का अनुपात हो जाता है, यानी कि छात्र शिक्षक का अनुपात 21:1 हो जाता है। यानी कि इन्होंने बता दिया कि हमारा जो अनुपात है वो मतलब क्या कह सकते हैं कि वो बराबर है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये अनुपात कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 साल से ना तो उत्तर प्रदेश में कोई रिटायर हो रहा है, ना ही उत्तर प्रदेश में कोई कुछ हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम मोटा मोटा लें 5 साल से भर्ती जो हमारी नहीं हुई है, अगर हर साल हम ऐसा भी कह लें कि 10,000 से 12,000 लोग अगर रिटायर भी हो रहे हैं तो आज 5 साल बाद 60,000 पद तो वैसे रिक्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, शिक्षा मंत्री जी को सब कुछ बराबर लग रहा है, इनके हिसाब से कोई यहां पर भर्ती आ नहीं सकती है, और इस शिक्षा जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है इसको ब्रह्मा जी डगमगा नहीं सकते हैं। जो बीएड और डीएलएड के छात्र हैं वो बीएड और डीएलएड करते जाएं, सीटेट पास होते जाएं, उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। एक तरफ बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में शिक्षक और मतलब शिक्षकों की इतनी भर्ती हो रही है कि उसको देखकर तो जितने भी और राज्य के जो बच्चे हैं वो एकदम से हैरान है कि कोई एक राज्य इतनी शिक्षक भर्ती कैसे कर रहा है। भाई 1 हो गया 2 हो गया 3 का विज्ञापन आने वाला है 10 फरवरी को, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं 4 भी अगस्त में आने वाला है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर माननीय जो यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश को, इनको सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ ओके है, कोई भर्ती आने जरूरत नहीं है। ये 31:1 पिछले 5 साल से सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि भैया ये कैसे करोगे, इसको हटाओ थोड़ा बहुत, कुछ तो रिटायर हो रहे होंगे, और अगर नहीं भी रिटायर हो रहे हैं तो जो ये 51,000 पदों पर जो आपने हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, ये कहां चले गए, ये लोग भी कहीं से नियुक्त हो गए, इसका मतलब क्या है भाई मेरे, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद अब चलो ये सब तो हो गया, इसको तो हम देख ही लेंगे, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत है। फिलहाल अब हम यहां बात करने वाले हैं जो हमारी मेन तीसरा पॉइंट है बीएड को लेकर के। तो देखो भाई, बीएड प्राथमिक में रहे ना रहे क्या मतलब है, जब यूपी में वैकेंसी नहीं आने वाली है। फिलहाल इन्होंने बीएड को लेकर के भी बता दिया है
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या इतनी देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 को अपास्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया है। यानी इन्होंने सीधा सीधा वही जजमेंट बता दिया 11 अगस्त 2023 वाला। इन्होंने कह दिया कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें जो है बीएड वालों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जो यहां पर बीएड वाले छात्र हैं वो प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर जो बीएड हो चाहे बीटीसी हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो बीएड चाहे प्राथमिक में रहे ना रहे, वैकेंसी तो इनको वैसे ही नहीं देनी है। लोकसभा का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, जैसे का तैसे यहां पर है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि भैया बिहार में इसलिए वैकेंसी ज्यादा आ रही क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाला है। भैया चुनाव तो यूपी में भी हुआ था, तब भी तो वैकेंसी नहीं आई थी। चुनाव तो लोकसभा का यूपी में है, तो क्या यहां भी वैकेंसी आ रही? नहीं आ रही ना। तो केवल नियत होनी चाहिए वैकेंसी देने की, ठीक है? बाकी ऐसे नहीं हो जाता कि हाँ नहीं वैकेंसी मिल जाएगी, वैकेंसी में चुनाव ना, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यूपी में, चुनाव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधानसभा चुनाव में भी भर्ती नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी भर्ती नहीं आ रही। और ऐसे हम लोग को नया शिक्षा सेवा आयोग वगैरह का जो है यहां पर कटोरा दे दिया जाएगा कि जाओ भैया आप लोग घूमो इधर उधर ऐश करो, ठीक है? तो ये रही आपके सामने शिक्षक भर्ती। ये बंपर शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आई है कि अनुपात और समानुपात बिल्कुल बराबर है। एक भी चीज यहां पर आपको कोई दिगमंगा नहीं सकता है। ब्रह्मा जी भी इस अनुपात समानुपात को अब नहीं यहां पर हटा पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अब ये 5 साल से इतना बराबर रखा हुआ है और आने वाले 5 साल ये ऐसे ही रखे रहेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं, बस किसी ना किसी तरीके से बीएड कर लो, डीएलएड कर लो, दो दो ढाई ढाई लाख रुपए आप लगाओ, टेट की तैयारी करो, सीटेट की तैयारी करो, और उसके बाद आपको जब 4-5 महीने बीत जाएगा तो एक ऐसे ही आपको बढ़िया से एक लेटर मिल जाएगा, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको जवाब देते नजर आएंगे कि भाई हमारा शिक्षक छात्र अनुपात बिल्कुल बराबर है। तो ये रही आज की अपडेट। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, किसी अदर स्टेट में वैकेंसी आती है तो आप लोग अप्लाई करिए, नौकरी करिए। बाकी यहां से उम्मीद मुझे नहीं लग रहा कुछ यहां पर होने वाला, ठीक है? बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।